हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विथ नील। आज जो टॉपिक करेंगे वो हम परसेंटेज का जो पार्ट फर्स्ट आपने देख लिया होगा आई होप, उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। उसमें अपन ने तीन टाइप के क्वेश्चन देखे थे, आज चौथे टाइप के क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार पहले पहला पार्ट ज़रूर देख ले, और फिर दूसरा पार्ट देखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन मिश्रण वाले प्रश्न। ठीक है, मिश्रण पर आधारित प्रश्न ये है, पार्ट फोर। ठीक है, टाइप फोर। नमक के 12 लीटर घोल में 10% नमक है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है, तो शेष घोल में कितने प्रतिशत नमक होगा। देखिए कि पहले स्टार्टिंग में 12 लीटर का घोल था, 10% नमक था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया, आप कितना नमक बचा। इसको करने के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे अपन, जो है बाद की प्रतिशत मात्रा निकालने की, बाद में कितना प्रतिशत नमक नमक रहेगा, तो बाद की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है जो विलयन की प्रारंभिक मात्रा थी, ठीक है, वो कितनी थी, 12, तो उसको लिख लेंगे अपन ऊपर विलयन की प्रारंभिक मात्रा। ठीक है, इसके अपॉन में लिख लेंगे विलयन के जो पानी उड़ा दिया 2 लीटर, उसके बाद कितनी मात्रा बची, यानी कि विलयन की बाद की मात्रा। ठीक है, बाद की मात्रा इनटू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन जो प्रारंभिक जो प्रतिशत मात्रा थी वो, जैसे 10% नमक था तो प्रारंभिक प्रतिशत मात्रा। ठीक है, ये वीडियो से अपन इस टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे, और ये फॉर्मूला इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बाद की प्रतिशत मात्रा निकालनी है अपने को। ठीक है, तो विलयन की प्रारंभिक मात्रा थी इसमें 12 लीटर, 12 लीटर का घोल था, 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो बचा कितना, 12 माइनस 2, अंत में कितना बचा, 12 माइनस 2 इंटू प्रारंभिक प्रतिशत मात्रा कितनी थी, 10% मात्रा। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखिए ये जो प्रारंभिक मात्रा थी ये 10% नमक है, और बाद की जो प्रतिशत मात्रा है ये वही मात्रा आएगी जिसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पानी की बाद की प्रतिशत मात्रा निकालनी थी तो वो नहीं निकाल सकते अपन, नमक की निकाल देंगे क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो चेंज नहीं हुआ है वो वाली निकलेगी। अपन अगर पानी की निकालनी है तो पहले नमक की निकाल लेंगे, उसको 100 माइनस कर देंगे तो पानी की आ जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं अपन, 12 अपॉन 10, 12 माइनस 2, 10 इंटू 10, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, यहाँ कितना बच गया, 12%, यानी कि नमक बाद में कितना प्रतिशत हो जाएगा, 12% हो जाएगा, पहले कितना था, 10%। ठीक है, तो इस टाइप से फिर, ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं अपन। 80 लीटर चीनी तथा पानी के मिश्रण में 10% चीनी है, और कितना लीटर पानी मिश्रण से निकाल दिया जाए जिससे चीनी 25% रह जाए। ठीक है, अपने को बाद की चीनी की मात्रा दे रखी है, कितनी है, 25% है, तो यहाँ लिख देंगे अपन बाद की चीनी की मात्रा 25%। ये देखो, फिर ऊपर लिखना है विलयन की प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, 80 लीटर, तो यहाँ लिख देंगे 80 लीटर। ठीक है, इसको अपॉन में लिखेंगे विलयन की बाद की मात्रा, अपने को विलयन की बाद की मात्रा पता नहीं है कि कितना लीटर पानी मिश्रण से निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो मान लो अपन ने 1 लीटर पानी उसमें से मिश्रण से निकाल दिया, तो बाद में कितनी रह जाएगी, 80 माइनस 1। ठीक है, और प्रारंभिक मात्रा कितनी थी चीनी की, 10%, तो 10 यहाँ लिख देंगे। इसको सोल्व करेंगे अपन, देखिए 80 माइनस 1 को इधर ले आएंगे, 80 माइनस 1 इजल टू ये हो जाएगा 80 अपॉन 25 इंटू 10, ये 5 से काटेंगे, 5 5 25, 5 दुना 10, 5 से काटेंगे 16 टाइम, तो ये हो जाएगा 16 दुना 32, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस 1। ठीक है, 1 इधर चल जाएगा, 32 इधर आ जाएगा, तो 80 माइनस 32 ये बच जाएगा, 10 में से 2 गए तो 8, और 7 में से 3 गए तो 4, यानी कि 48 लीटर जो है बाद में पानी रह जाएगा, मिश्रण रह जाएगा। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। ठीक है, अगले टाइप के प्रश्न है चुनाव पर आधारित प्रश्न, यानी कि एक जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 60% लाकर 120 मतों से चुनाव जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, अब चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, तो एक होगा विनर यानी कि जीतने वाला, एक होगा लूजर यानी कि हारने वाला। ठीक है, कह रहा है कि विनर ने कुल मतों का 60% जो है मत प्राप्त किए, 60% 60% अगर विनर ने प्राप्त किए तो लूजर ने कितने प्राप्त किए होंगे, 100 माइनस 60%। ठीक है, यानी कि कितना प्राप्त किए होंगे, 40% प्राप्त किए होंगे, किसने, लूजर ने यानी कि हारने वाले ने।
कह रहा है कि 120 मतों से चुनाव जीत गया। अब जीतने जो डिफरेंस है जीत का, जो जिस मतों से जीता है वो क्या होगा, 60-40, यानी कि विनर और लूजर के बीच जो डिफरेंस रहेगा वो कितने का था, ये जो 60-40% वो था किसके बराबर, 120 के बराबर। तो पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। देखिए 60-40 20% इज इक्वल टू हो जाएगा 120, तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 120/20। पूछ रहा है कि हारने वाले को मिले हैं 40%, तो इसको अपन 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 0 से 0 ये 6 टाइम, तो 6 × 4 = 240, यानी कि जो हारने वाला लूजर था उसको कितने मत वोट मिले हैं, 240 वोट, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इससे इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, ठीक है, 10% ने अपना वोट यूज नहीं किया है। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% लेकर 8400 मतों से जीत गया। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 10% वोट जो है यूज नहीं किए गए थे, ठीक है, यानी कि उन्होंने वोट डालने ही नहीं गए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। इसमें भी टोटल मत अपन मान लें 100% थे, ठीक है, इसमें से जो 10% थे वो डालने ही नहीं गए, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 90%, ठीक है, 90% हो गए। अब कह रहा है कि अब फिर से देखो, एक विनर था एक लूजर था, ठीक है, विनर और लूजर, विनर को कितने वोट मिले, 52% लेकर विनर ने 52% लिया, ठीक है, किसका 52%, ये जो 100% है, कह रहा है कि उम्मीदवार कुल मतों का 52%, यानी कि 100% का 52% किसने ले लिया, विनर ने ले लिया। तो लूजर के पास कौन से आएंगे, 10% इसमें से माइनस कर लेंगे तो 90 में से फिर 52 माइनस कर लेंगे तो लूजर को वोट मिल जाएंगे, ठीक है, अपन ने 90 में से इसलिए माइनस किया क्योंकि 10% वोट यूज नहीं किए गए थे, ठीक है, तो 90-52 कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 8-5 हो जाएगा 38% वोट जो है लूजर को मिले। कह रहा है कि 8400 मतों से जीत गया, तो डिफरेंस होगा जो जीत का वो किसकी वजह से होगा, 52% माइनस का 38%, इसकी वजह से जो जीत का डिफरेंस होगा ये होगा, ये कितना है 8400, अपन इसको माइनस करेंगे 52 माइनस 38 कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 में से 8 गए तो 4, 4 में से 3 गए तो 1, 14%, ये किसके इक्वल में हो जाएगा 8400 के, ठीक है। अपने को पूछा क्या गया है कि कुल कितने मत प्रयोग किए गए थे, देखिए मत प्रयोग कितने किए गए थे 90, जबकि टोटल वोट कितने थे लिस्ट में, कितने थे 100%, तो अपने को जो भी आएगा उसका 90% निकालना है। देखिए 40% इक्वल टू 8400 तो 90% इक्वल टू कितना हो जाएगा 8400 डिवाइड बाय 14 इंटू 90, ठीक है, 14, 6, 84, 600, ये 6, 9, 54, 1, 2, 3, 0, यानी कि टोटल 54,000 वोट जो थे वो यूज किए गए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, दिखने में बड़ा लग रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन अपन इसको भी इजी कर देंगे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, तथा 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, 55 वोट्स को अवैध इनवैलिड घोषित कर दिया गया, ठीक है। तो सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के 48% मत प्राप्त किए। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में उस वाले क्वेश्चन में और डिफरेंस है, क्योंकि इसमें 55 जो वोट्स हैं उनको क्या किया, अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, स्टार्टिंग में अपन ने मान लिए कि 100% वोट थे, ठीक है, ये 100% वोट कब थे, स्टार्टिंग में थे, इसमें से 10% को मतों का प्रयोग नहीं किया गया था, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे 10% को अपन यहाँ माइनस कर लेंगे, बच जाएगा 90%, ठीक है। अब 90% में के बाद कह रहा है कि 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, एक बात के लिए अभी 55 मतों को क्या करेंगे अपन, भूल जाएंगे, ठीक है, इसको अभी भूल जाइए, आगे देखते हैं। तथा सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया, तो तीन, तो अब ये कह रहा है कि इसने मतदाता सूची के 48% मत प्राप्त किए, यानी कि सफल उम्मीदवार यानी कि विनर और एक लूजर रहेगा, ये कह रहा है कि विनर ने 48% मत प्राप्त किए, किसका 48% प्राप्त किए, मतदाता सूची के 48 मत, सूची यानी कि लिस्ट के अंदर कितने थे 100% थे, उसका 48% विनर ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो लूजर को कितने मिले होंगे, देखिए 90-48 करेंगे तो 42% किसको मिले होंगे, ठीक है, तो लूजर को मिल जाएंगे 42%,
ठीक है, लूजर को मिल गए 42%, विनर को मिल गए 48%। अब क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है जीत का, कितने वोट का है, 373 वोट्स का है। ठीक है, यानी कि विनर ने 373 वोट्स ज़्यादा लिए हैं किससे, लूजर से। तो ये हो जाएगा, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 48% माइनस 42%, ये किसके बराबर हो जाएगा, 373। ठीक है, 373, लेकिन इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा अपने को, देखिए 55 वोट्स को अपन ने इग्नोर कर दिया था, यानी कि ये जो 55 वोट्स हैं ये भी तो इनके डिफरेंस में से माइनस होंगे ना, क्योंकि ये वैलिड नहीं थे, अवैध थे। तो यहाँ से अपन 55 को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 48 माइनस 42 हो जाएगा 6%, यानी कि 6% इक्वल टू हो जाएगा 373 माइनस 55, ये हो जाएगा 318। ठीक है, अब इसको 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 318 अपॉन में 6। और अपने को फाइंड क्या करना है कि तो मतदाता सूची में एक मतों की संख्या कितनी थी, सूची में यानी कि लिस्ट में 100% थे, तो 100 से अपन क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको अपन कैंसिल करेंगे, 6 5 ज़ा फिर 6 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 5300, यानी कि जो लिस्ट थी पूरी वोटिंग लिस्ट थी उसके अंदर 5300 नाम थे। ठीक